सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो क्योंकि आज के वीडियो थोड़ा सा अलग होने वाला है, यानी कि मैं बहुत दिन बाद रिव्यू वीडियो लेकर आया हूँ। आज के वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ चेस्ट माउंट। चेस्ट माउंट का यूज़ होता है जब भी आप साइकिल चलाते हो या फिर बाइक चलाते हो, तो आप अपने फ़ोन को या फिर आपका जो गोप्रो होता है या फिर कोई भी एक्शन कैमरा 6-7 हज़ार का जो भी एक्शन कैमरे आते हैं, आप उसे डायरेक्टली इस पर कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे स्क्रू होता है, छोटे मोटे कनेक्टर्स होते हैं जो कि आपके एक्शन कैमरा के साथ आते हैं। अगर आपको मोबाइल कनेक्ट करना है तो मोबाइल के लिए भी अलग से मोबाइल होल्डर आता है, जो कि चेस्ट माउंट मोबाइल होल्डर के नाम से आपको अमेज़ॉन पे या फिर लोकल मार्केट में आप पूछोगे तो आपको मिल जाएगा। 50-60 रुपये, 100 रुपये के आसपास का प्राइस होता है, महंगा नहीं होता। आप इजीली तरीके से अपने फ़ोन को यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर अपना गोप्रो जो आपके पास है या फिर जो भी एक्शन कैमरा छोटा मोटा 10 हज़ार का है, वो आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो और इसके थ्रू आप आराम से साइकिल ब्लॉग कर सकते हो या फिर मोटो ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो बहुत ही सस्ते में। यानी कि ये टोटल जो भी प्रोडक्ट है आपको 500 रुपये से भी कम में मिलेगा और आराम से आप अपना साइकिल ब्लॉग मोटो ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप जैसे छोटे सिटी से रहते हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा हरियाली होती है, बहुत सारे छोटे मोटे पहाड़ होते हैं, झीलें होती है, तो आप अपना साइकिल होगा या फिर मोटरसाइकिल बाइक होगा, आराम से बाइक लो और निकल जाओ चेस्ट माउंट लगा के, फ़ोन कनेक्ट करके आराम से उसमें माइक साइड में सेट करो और चल दो। इससे क्या होगा कि आप अपने आसपास के एरिया को एक्सप्लोर कर सकते हो, लोगों को दिखा सकते हो और अच्छे क्वालिटी का वीडियो लोगों को दिखाओगे तो लोग भी आपके एरिया के बारे में जानेंगे, आपको जानेंगे। अब बात करें इस चेस्ट माउंट के क्वालिटी के बारे में, इस चेस्ट माउंट की क्वालिटी आपको बहुत ही अच्छी मिलती है। जो भी इसका कनेक्टर है ये प्योर प्लास्टिक का है, लेकिन प्लास्टिक में भी जो फाइबर होता है उसका है, तो आप ये जल्दी आसानी से टूटने वाला नहीं है। इसके अलावा इसमें जो पिन है, इसमें नॉर्मल स्क्रू लगा हुआ है, तो स्क्रू तो पता ही है, अगर ये टूट भी गया, आपको लगता है कि स्क्रू टूट गया, तो आप दूसरा स्क्रू लगा सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लोकल कहीं भी साइकिल दुकान या कहीं भी दुकान में आपको मिल जाएगा। ये मोबाइल होल्डर भी 40-50 रुपये में आपको कहीं भी लोकल दुकान में मिल जाएगा। तो बेसिकली आप इस छोटे से सेटअप के थ्रू अपना साइकिल ब्लॉग या मोबाइल ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो। और इसके रबर की क्वालिटी और ये सब की क्वालिटी की आपको सोचनी है तो इसके बारे में भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना रुपये 250 रुपये के आसपास के आता है, और 250 रुपये में आपको इनफ क्वालिटी मिल जाती है। आप रेटिंग देखोगे तो 4+ की रेटिंग है, तो आपको इस मामले में भी टेंशन लेने की बात नहीं है कि प्रोडक्ट कैसा है। प्रोडक्ट आपके लिए बहुत अच्छा है, आप अपने मोबाइल पर ट्रस्ट कर सकते हैं। हाँ, आपको अगर मोबाइल को और भी ज़्यादा सिक्योर रखना है तो ये जो मोबाइल होल्डर है ये थोड़े अच्छे क्वालिटी का ले सकते हो। जैसे कि मेरे पास पुराना मोबाइल होल्डर है, ये सोलविक का है, 350-400 के आसपास का है, तो इस टाइप का कनेक्टर आप ले सकते हो। 360 का इसमें ये लगा हुआ है, फ्रेम लगा हुआ है, तो जैसे मैं चाहूँ इसे 360 में वो फोल्ड कर सकता हूँ। तो ये फ़ायदा होता है, ऐसे प्रोडक्ट आप अलग से परचेस कर सकते हो। और इस तरह के छोटे मोटे प्रोडक्ट के थ्रू आप अपने वीडियो क्वालिटी को और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकते हो। जैसे कि आप कॉर्नर में देख ही रहे हो कि जो ब्लॉग चल रहा था इतने देर से, आपको उसमें आइडिया मिलेगा होगा कि जो भी रिकॉर्डिंग हुई है वो चेस्ट माउंट के थ्रू रिकॉर्डिंग हुई है। और मैं साइकिल जनरली जब भी चलाने निकलता हूँ तो 10-15 किलोमीटर अप डाउन में चला कर ही आता हूँ, और अच्छी खासी वीडियो क्वालिटी आपको रिकॉर्ड हो जाती है। अब मोबाइल में स्पेस की प्रॉब्लम है तो अलग से कार्ड रीडर, जो भी मेमोरी कार्ड होते हैं, वो परचेस कर लो और बस वीडियो क्वालिटी को इम्प्रूव कर लो। तो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप डिस्क्रिप्शन चेक करना। अगर आपको साइकिल ब्लॉग या फिर मोटो ब्लॉग में इंटरेस्ट है तो आप इस प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हो और ट्राई कर सकते हो कि आपके लिए कितना ज़्यादा वर्क करता है, क्या आप साइकिल ब्लॉग या मोटो ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ट्राई करने में क्या जाता है। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही तरह के और वीडियो लेकर मैं जल्दी लौटूंगा अपने चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।